या और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 41 बाब 8 जिना की सज़ा। रजम से वहशत क्यों? आम लोगों को इस रजम से वहशत महसूस होने की दो वजह है। एक, जानी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर ठंडे दिल व दिमाग से सोचा जाए तो मौत की सज़ा कोई अनहोनी बात नहीं। दो रोज़ा जिंदगी में इसकी कई मिसालें हैं। एक, जमादात में मिसालें। अगर किसी इमारत को बनाते वक्त मार्बल, पत्थर या टाइल लगाई जाए तो ज़रूरत के तहत पत्थर व टाइलों को काट काट कर टुकड़े कर दिया जाता है। बदनुमा हिस्सों से नजात हासिल करके ऐसे पत्थर लगाए जाते हैं जो खूबसूरत लगे। इसी तरह जानी समाज का बदनुमा फर्द है, उसे रजम के जरिए मौत की नींद सुलाकर साफ सुथरे पाकीज़ा समाज को परवान चढ़ने दिया जाता है। नंबर दो, नबातात पेड़ पौधों की मिसालें। खेती बाड़ी और काश्तकारी का इल्म रखने वाले लोग जानते हैं कि कभी कभी खेतों में अपने आप उगने वाले पौधे उग आते हैं। अगर उनको उखाड़ा न जाए तो ये खेतों में बीमारी यानी वायरस वगैरह फैलाने का जरिया बनते हैं, बल्कि इजाफी खुराक इस्तेमाल करके खेती के असल पौधों को कमज़ोर कर देते हैं। इन पौधों को दवाई के ज़रिए मार दिया जाता है या उनको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। दुनिया के हर मुल्क में ऐसी दवाइयाँ आसानी से मिलती हैं। कोई एतराज़ नहीं करता कि एक पौधे की ज़िंदगी को ख़त्म किया जाता है। फलों और फूलों के पेड़ों में शाख तराशी रोज़ाना का मामूल बन चुका है। अगर कोई माली को देखे कि उसने तर व ताज़ा पत्तों वाली शाखें काट कर ढेर लगा दिया तो खुश होते हैं कि अब हमारा बाग या लॉन खूबसूरत नज़र आएगा। फलदार पेड़ की जो शाखें सूख जाती है उन्हें काटा न जाए तो बाकी शाखों का फल कम हो जाता है, लिहाजा उसकी शाख तराशी लाजमी समझी जाती है। समाज में जानी आदमी को ज़िंदा रहने दिया जाए, माहौल व समाज में बेहयाई का वायरस फैल जाता है, लोगों में हया के फल फूल कम हो जाते हैं। इसलिए जानी की सर तराशी ज़रूरी है ताकि बाकी समाज को बेहयाई और ख़तरनाक बीमारी से बचाया जा सके। नंबर तीन, हैवानात में मिसालें। हैवानात में भी नुकसानदेह जानवर को मारना रोज़मर्रा का मामूल है। आम लोग सांप बिच्छू को देख ले तो उसको मारकर खुश होते हैं कि हमने ईजा तकलीफ पहुंचाने वाले चीज़ से छुटकारा पा लिया। जानी को रजम करके एक मूजी से निजात पाई जाती है। जंगली हैवानात की हिफाजत का दावा करने वाले लोग जब देखते हैं कि कोई शेर, चीता, भेड़िया या हाथी वगैरह इंसान का दुश्मन बन गया है तो बावजूद हिफाजत का दावा करने के ऐसे जानदार को खुद ही गोली मारकर हलाक कर देते हैं। इसी तरह जानी शख्स हया का दुश्मन बन जाता है। रजम के ज़रिए उसको ख़त्म करके बकिया इंसानों की इज्जतों की हिफाजत को यकीनी बना लिया जाता है। पालतू जानवरों में जब मुंह खर की बीमारी आ जाए तो हज़ारों जानवरों को हलाक करके उनके गोश्त को दफन कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। हुकूमतें ऐसा काम करके मुतमईन हो जाती है कि हमने इंसानों को जानी नुकसान से बचा लिया। जानी आदमी के अंदर भी शर्मगाह बेकाबू होने की बीमारी आ जाती है। दीन इस्लाम ने उसे रजम के ज़रिए ख़त्म करने का हुक्म दिया है। इससे बकिया इंसानों को अखलाकी नुकसान से बचा लिया जाता है। मुर्गियों में वायरस की बीमारी फैल जाने से लाखों मुर्गियों को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। इसी तरह जानी शख्स में बेहयाई का वायरस फैल जाने से उसको भी रजम कर दिया जाता है। महज़्ज़िब कौमें अखबारों में खबरें शाये करती है कि हमने इतने जानवरों को वायरस की वजह से हलाक कर दिया। क्या मुसलमान ये नहीं कह सकते कि हमने बेहयाई के वायरस वाले शख्स को ख़त्म करके बाकी लोगों को बचा लिया? नंबर चार, इंसानों में मिसालें। अगर इंसान के जिस्म के किसी अजू में कैंसर हो जाए तो उसे काट कर अलग कर दिया जाता है। कितनी औरतें छाती के कैंसर की वजह से अपने पिस्तान कटवा देती है, बाद में खुश होती है कि हमें कैंसर से नजात मिल गई। शुगर के मरीजों में कई मर्तबा पाँव पर फोड़ा बन जाता है।
ऐसी सूरत हाल में पाँव काटकर बाकी जिस्म को बीमारी से बचा लिया जाता है। कुछ लोगों की टांग में नाकाबिले इलाज फोड़ा होने की वजह से उनकी पूरी टांग काट दिया जाता है। इसी तरह जानी शख्स भी समाज के जिस्म पर फोड़ी की तरह होता है, उसको रजम करके फोड़ों का ऑपरेशन कर दिया जाता है, समाज को बेहयाई की बीमारी से बचा लिया जाता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में अभी अगर कोई शख्स मुल्क के साथ गद्दारी करे तो उसे सजाए मौत दी जाती है। उसे इंसाफ के नाम लेवा हरगिज़ बुरा नहीं समझते। अदालत सजाए मौत का हुक्म जारी करे तो पूरे मुल्क में खबरें सुनाई जाती है ताकि आम लोगों को पता चल जाए और आइंदा कोई दूसरा शख्स ऐसी हरकत दोहराने की जुर्रात न करे। दीन इस्लाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से गद्दारी करने वाले जानी शख्स को सजाए मौत का हुक्म दिया और आम लोगों के मजमे में हद जारी करके बता दिया कि आइंदा कोई दूसरा आदमी ऐसी हरकत दोहराने की ज़रूरत न करे। ऊपर लिखी मिसालों से पता चलता है कि जमादात पत्थर वगैरह, नबातात पेड़ पौधे, हैवानात और इंसान सब में ही उसूल काम कर रहा है कि बीमार अजू को ख़त्म करके बाकी जिस्म को बचा लिया जाए। ये उसूल फितरत है दीन इस्लाम, क्योंकि दीन फितरत है इसलिए शरीयत में जानी को संसार करके बाकी मुआशरे को बेहयाई के रूहानी मर्ज से बचाने का हुक्म दिया गया है। मजमे में संसार करना, आम लोगों को रजम से वहशत महसूस होने की दूसरी वजह मजमे में जानी को संसार करना है। ये मंजर सोचकर ही दिल पर दहशत सवार हो जाती है और अगर कोई शख्स देख ले तो फिर उसका क्या बनेगा। मगर शरीयत का मकसद तो यही है कि लोग एक मर्तबा किसी को रजम होता देख लेंगे तो बाकी सब उसकी मस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हर किसी को गुनाह के बाद अपने अंजाम का अच्छी तरह पता होगा। ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि एक जानी को रजम करके बाकी समाज को बेहयाई के वायरस से महफूज कर दिया। इससे साबित हुआ कि इस्लामी सजाए वहशियाना नहीं बल्कि मुनसिफाना है। मजलूम की फरियाद सुनी जाती है और जालिम को सज़ा मिलती है। रजम के फ़ायदे, नंबर एक, कोई मर्द किसी औरत को कमज़ोर जानकर, अकेला देखकर या गरीब व बेसहारा समझकर उसकी इज्जत व आबरू लूटने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर दो, कोई औरत किसी मर्द को फांसने के लिए मकर नहीं करेंगी, बेपर्दगी ख़त्म हो जाएंगी। नंबर तीन, कोई औरत जिस्म फरोशी को अपना कारोबार नहीं बनाएंगी, लोगों के नौजवान लड़कों को भटका नहीं सकेंगी, न बाजारे हुस्न का कारोबार चलेगा, न ही अमीर इलाकों की बड़ी कोठियों में शराब व शबाब की महफिलें सज सकेंगी। नंबर चार, मर्द अपनी बीवी पर तवज्जो ज़्यादा दिया करेंगे, बाजार में बेपर्दा औरतें गुनाह की दावत नहीं दे सकेंगी, न ही मॉडल गर्ल्स को देखकर खाविन बीवियों से उचाट होंगी। नंबर पाँच, चोरी छिपे ताल्लुकात कायम करने वाले और करने वालियाँ ख़त्म हो जाएंगी, याराना दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कंप्यूटर चैटिंग ख़त्म हो जाएंगी, नौजवान लड़के और लड़कियों का वक्त बर्बाद नहीं होगा। नंबर छः, हंसते बसते घरों को उजाड़ने वाले ख़त्म हो जाएंगे, न कोई मर्द किसी की बीवी को उसके खाविन के खिलाफ भड़का सकेगा, न कोई औरत किसी मर्द को उसकी बीवी से बेजार कर सकेंगी, हर कोई अपने अपने घर में आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेगा। नंबर सात, खाविंद अगर दफ्तर, दुकान, खेत पर काम के लिए चला गया तो कोई पीछे उसकी बीवी को घर में अकेला पाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश नहीं करेगा, बीवी को भी खौफ नहीं होगा और खाविंद को भी पीछे की फिक्र नहीं होगी। नंबर आठ, अमीर लोग गरीब लोगों की बीवियों और बेटियों पर गलत नज़र नहीं रख सकेंगे। नंबर नौ, अमीर लोग एक बीवी के साथ कई दास्ताएं नहीं रख सकेंगे। नंबर दस, यह नहीं होगा कि औरत घर किसी का बसाए और दिल में किसी और को बसाए। नंबर ग्यारह, बिन ब्याही माएँ अपने बच्चों को गंदगी के ढेर पर नहीं फेंक सकेंगी। नंबर बारह,
औरत घर में या सफ़र व हजर में अपने आप को महफूज समझेंगी। अगर यमन से मदीना मुनव्वरा का सफ़र अकेले करेंगी तो भी कोई उसकी जान व माल, उसकी इज्जत व आबरू की तरफ हाथ नहीं उठाएगा। हया और पाकदामनी के माहौल में अल्लाह ताला की रहमतें हर वक्त बारिश की तरह बरसेंगी। रिस्क में बरकत होंगी, तलाक कम हो जाएंगी, हर घर मियाँ बीवी के लिए जन्नत का छोटा सा नमूना बन जाएगा। नंबर 13, अगर कोई मर्द किसी औरत को फुसलाने की कोशिश भी करेगा तो वह जवाब में कहेंगी, मेरा जिस्म मेरी ज़िंदगी मेरा फैसला, मैं कहती हूँ नहीं। नंबर 14, अगर कोई औरत किसी मर्द को फुसलाने की कोशिश करेंगी तो जवाब में सुनेंगी, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। ऐसे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा हो जाएंगी। नंबर 15, किरदार की पुख्तगी की वजह से दुआएं जल्दी कबूल होंगी, हर तरफ रहमत के आसार जाहिर होंगे, दुनिया में इस्लाम का बोल बाला और कुफर का मुंह काला होगा। आमद बर मतलब, जिस तरह शराब की सज़ा और हुरमत दर्जा बदर्जा हुई, इसी तरह जिना की सज़ा भी 3 मरहलों में हुई। नंबर 1, पहले मरहले में फरमाया, 2 मर्दों में बदकारी का सबूत मिल जाए तो काजी उन पर ताजिर लागू करे, यानी मुनासिब सज़ा दे। नंबर 2, दूसरे मरहले में फरमाया, जानिया औरत और जानी मर्द दोनों को 100 कोड़े लगाओ, लोगों का मजमा होना चाहिए और नरमी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तीसरे मरहले में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शादीशुदा मर्द व औरत के लिए संसारी और गैर शादीशुदा के लिए 100 कोड़े मारने हैं। जिना की गवाही में 4 मर्दों की शर्त रखी है, क्योंकि 2 मर्द और 2 औरतें औरत के लिए 2-2 गवाह हो तो कुल 4 बने। दूसरा, इस नाजुक मसले में औरत की गवाही कबूल नहीं की गई, चूँकि औरतें इल्ज़ाम लगाने में जल्दबाज होती है। यह भी वाज़े हुआ कि जब सज़ा सख्त हो तो उसके सबूत की शराइत भी सख्त होती है। इस्लाम ने इब्तिदा में सतर पोशी का मामला करने का हुक्म दिया है, लेकिन जब 4 शरई गवाह सबूत पेश कर दे तो फिर इन जानी मर्द व औरत को जी भर कर रुस्वा करने का हुक्म दिया है और नरमी से मना फरमा दिया है, ताकि लोग इबरत हासिल कर सके। आम तौर पर मर्दों के हुक्म में औरतें शामिल होती है। इस नाजुक मसले में अज़ानिया के लफ्ज़ से औरत के ज़िक्र की वजाहत कर दी है, ताकि कोई यह न समझे कि रजम का हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाहु खैर।